मुझे लगता है पहली तो मोरालिटी टेस्ट है और विप तो है हमारे साथ ही है, लेकिन मोरालिटी टेस्ट पहले रहेगी कि ये धोखा है या साथ में। जो रिबेल एमएलए थे तो आपके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स का भी एक, मुझे लगता है वो तो बात बात की है। स्पीकर इलेक्शन में एक सैनिक है राजन सावी जी और दूसरे जो है वो माजी सैनिक है, एक सैनिक है, तो इसमें बीजेपी को क्या मिला? आरे को लेकर आपने कहा, आरे को लेकर हमारी बात स्पष्ट है। जब हमारी सरकार बनी थी तब आरे के कारशेड को हमने स्टे किया था, लाइन 3 का काम जोर से शुरू था, अगर आप देखें तो कोविड काल में भी शुरू था। महत्वपूर्ण तो चीज़ यही है कि मुंबईकरों को धोखा ना दे। नई सरकार जो बनी है उनको मैं शुभकामना तो देता हूँ, लेकिन यही बात कहता हूँ जो उद्धव साहब ने भी दोहराई थी, वही बात मैं दोहराता हूँ कि हम पे जो गुस्सा होगा, जो हमें जो धोखा दिया है वो मुंबईकरों पे ना निकाले या मुंबईकरों को धोखा ना दे। ये मुंबई के लिए अहम प्रश्न है। आरे अगर कारशेड वहाँ बनती है तो सिर्फ पेड़ों का सवाल नहीं है, वहाँ बायोडाइवर्सिटी। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।